नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपन। मेरा चैनल टेक्निकल सर्विस हीरो में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो वीडियो के बारे में बात करने चाहता है वो वीडियो है टाटा 912 BS4 इंजन में लैपटॉप डायग्नोसिस कैसे होता है। दोस्तों, वीडियो टी देखेगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज व पैसा नहीं लगता है। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो टी अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, दिखाता है मेरा आज का वीडियो टाटा 912 BS4 लैपटॉप डायग्नोसिस कैसे करता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले 1109 गाड़ी BS4 देखने में कैसे है वो दिखाता है। उसके बाद हम लोग लैपटॉप डायग्नोसिस व लैपटॉप सेटिंग कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, देखिए ये इशू है, BS4 में इशू लगा रहता है। उसके बाद देखिए फ्यूज कवर है, फ्यूज बॉक्स, देखिए फ्यूज बॉक्स का हम लोग कवर खोलता है। काहे के लिए जो लैपटॉप का जो हम लोग डायग्नोसिस करेगा उसका केबिल जो है वो अंदर में रहता है लगाने के लिए जगह। देखिए अभी लैपटॉप हम लोग जो केबिल है वो फ्यूज बॉक्स में, देखिए आपको बाएँ तरफ में जो सादा रंग का है उसमें कनेक्ट करेगा। अभी देखा इधर आपको फ्यूज बॉक्स, देखिए ये जो हम लोग का लैपटॉप का जो केबिल है वो हम लोग कनेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, थोड़ा आराम से करेगा, कोई हड़बड़ी ना कहे वो। इसके अंदर में बहुत छोटा छोटा पिन रहता है, टूट जाने का डर रहता है। देखिए हम लोग क्या कर रहा है, अभी वो केबिल तो कनेक्ट कर रहा है। किस में कर रहा है, गाड़ी का जो फ्यूज बॉक्स है जो इशू का पास में, देखिए इशू का बगल में है वो फ्यूज बॉक्स, उसमें कनेक्ट किया। इसके बाद हम लोग क्या करेगा, वो केबिल टो, देखिए केबिल टो जो मेरा हाथ में है रख दिया, फ्यूज बॉक्स का जो कवर है उसके ऊपर में। अब इसको लेके बाकी जो और एक तरफ है क्या करेगा, वो लैपटॉप में कनेक्ट करेगा। देखिए लैपटॉप में कैसे कनेक्ट कर रहा है, सबसे पहले देखिए लैपटॉप में, देखिए जैक टो लगा रहा, हल्का से पुश करेगा लैपटॉप में, दिखाई दे रहा है आप लोग को, देखिए आराम से, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेगा, लैपटॉप को ऑन करेगा। देखिए लैपटॉप ऑन कर रहा हम लोग, देखिए लैपटॉप ऑन हो रहा। देखिए लैपटॉप ऑन कर रहा हम लोग, लैपटॉप ऑन करने से क्या होगा, लैपटॉप में बहुत फोल्डर रहता है, देखिए आपको दिखाई दे रहा, थोड़ा आराम से देखिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा। काहे के लिए हम लोग को लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए, देखिए सबसे पहले फोल्डर देखना पड़ेगा। देखिए मेरा हाथ जो है एरो चिन्हों दिखाई दे रहा है, एरो चिन्ह हमारा जहाँ जहाँ जाएगा उसको थोड़ा से फॉलो कीजिए। देखिए हम कहाँ जा रहा है दिखाई दे रहा आपको, LCV में हमने कनेक्ट किया, वहाँ पर जाके डबल क्लिक मारा, उसके बाद देखिए कनेक्टर में आया। देखिए कनेक्टर में आके सिंगल क्लिक मारेगा, देखिए मेरा एरो चिन्ह आ रहा, देखिए यहाँ पर सिंगल क्लिक करेगा, सिंगल क्लिक कर दिया है। अभी देखिए एक तो पेज खुलेगा, देखिए टाटा डायग्नोसिस स्टेम, इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए हाँ अभी हम बाएं तरफ में देखिए प्राइमा अल्ट्रा MHCV LCV काहे के लिए हमारा तो 912 है इसीलिए AC में गया। उसके बाद डोमेस्टिक TGL, उसके बाद देखिए इधर में बाएं साइड में आपको दिखाई देगा होगा VP37 BS4 BS3 BS4 देखो 690 BS3 आवाज 600 BS4 हमको क्या है BS4 में एंट्री करना, फोर सिलेंडर BS4 में हम क्लिक कर दिया है। अभी यहाँ दिखाई दे रहा, देखिए आपको BS4 दिखाई दिया, हाँ अभी नेक्स्ट में गया, देखिए हम लोग नेक्स्ट में जा रहा, थोड़ा आराम से नेक्स्ट में जाके हम क्लिक किया है। जहाँ नेक्स्ट में क्लिक किया अभी देखिए इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी है जो बहुत गया, लेकिन हमको देखना क्या इंजन मैनेजमेंट सिस्टम देखा देखना है। देखिए अभी यहाँ क्या करेगा, गाड़ी का जो चाबी हम पुश करके ऑन करेगा, उसके बाद हम इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में जाके क्लिक करेगा, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में क्लिक कर दिया है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है,
देखिए वहाँ पर जो RST नोट है उसमें जाके क्लिक किया है, अभी प्रोसेसिंग हो रहा, अभी प्रोसेसिंग होगा, होने के बाद दिखाई देगा आपको जो इसमें कितना फोल्ड कोड है दिखाई देगा। देखिए थोड़ा आराम से देखिए, अभी आ गया ना मेरा बाएं साइड में, देखिए सब फॉल्ड कोड है और दिखाई दे रहा, लिखा हुआ फॉल्ड कोड है P0504000P0087 ऐसे है, प्रॉपर है। थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या फॉल्ड है, ये सब मेमोराइज है, कोई किसी भी अगर कन्फर्म मिला तो बहुत कोई फॉल्ट कोड है। इसको हम लोग क्या करेगा देखिए, इसको क्लियर करना है। इसको क्लियर हम लोग कैसे करेगा वो भी आपको दिखा रहा, देखिए आराम से देखिए थोड़ा समझ में आएगा। देखिए अभी हम गया है ना क्लियर फॉर्म में गया, वहाँ पर क्लिक करेगा, देखिए क्लिक किया, अभी नो में जाएगा, देखिए नो में जाएगा, देखिए मेरा RST नोट, देखिए वहाँ पर नो में गया, फिर क्लिक करेगा वहाँ पर, क्लिक कर दिया, मेरा जितना फॉल कोड था सब क्लियर हो गया। अब लोग का समझ में आ गया जैसे कैसे करता है। फिर और कुछ है कि नहीं है इसके लिए फिर हम क्या करेगा, राइट डेटा में गया, देखिए वहाँ पर जाके फिर क्लिक किया, देखिए दिखाई दे रहा और कोई फॉल कोड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, हम पहले देखा था फॉल कोड है, उसके बाद फॉल कोड क्लियर किया, उसके बाद क्या कहा गाड़ी फिर स्टार्ट किया करके फिर देखा, देखने के बाद क्या हुआ उसमें फॉल कोड नहीं है। देखिए इसके बाद इशू डिटेल्स राइट डेटा व्हीकल पैरामीटर, ये देखिए जो जो हमको चेक करना है और भी किसी को कोई चीज़ चेक करना है तो ये देखिए प्रॉपर दिया हुआ है, इशू डिटेल्स राइट क्या देखिए राइट डाटा जो जो है जिसको जो देखना वो देखेगा, वहाँ पर जाके क्लिक करने से फिर ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं लैपटॉप डायग्नोसिस करके देख लेता है गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट है नहीं है, इलेक्ट्रिक जो सिस्टम फॉल्ट आएगा इसमें दिखाई देगा। दोस्तों वीडियो टी देखेगा तो आप लोग को अच्छा लगेगा, लेकिन वीडियो टी पूरा देखना है, आधा देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, पूरा देखना है पूरा देखेगा। देखिए अब हो गया लैपटॉप डायग्नोसिस हो गया, इसके बाद हम गया देखिए ऊपर में कोना में देखो क्रॉस चिन्ह में, वहाँ क्लियर देखिए वहाँ पर जाके क्लिक करेगा, उसके बाद क्या होगा लैपटॉप मेरा देखिए सिस्टम से हम बाहर निकल गया, हमारा लैपटॉप डायग्नोसिस हो गया। दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो, अगर वीडियो भी पसंद आए लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों, और भी अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय।